नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। दोस्तों, अभी हम एकावना पंचायत में पहुंचे हुए और एकावना पंचायत के मुखिया पशुपति सिंह उर्फ टुनटुन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। काफी प्रख्यात और काफी सूझबूझ से काम करने वाले एक अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार मुखिया के रूप में एकावना पंचायत को मिले हैं टुनटुन सिंह जी, जिन्होंने अपने काबिलियत के बदौलत काफी सुंदर ढंग से अपने पंचायत को डेवलप किया है। एक एक जनता का एक एक जागरूक अभियान। अभी हम एकावना पंचायत के अभी हम थाने पे, ये बड़हरा थाना है, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैंने इनसे मिला, देखा काफ़ी एक जन सैलाब, लोगों की समस्याओं को लेकर थाना प्रभारी से बात करते दिखे और काफ़ी सुंदर ढंग से अपने पंचायत के एक एक सदस्य को बारीकी से समस्याओं का समाधान करते हुए एक तेजस्वी, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं टुनटुन सिंह जी, जिन्होंने अपनी काबिलियत से अपने पंचायत पर काफ़ी सुंदर ढंग से अपने व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी पहचान बनाए हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं। नवरात्र का समय चल रहा है, माँ दुर्गे की कृपा सब पे बनी रहे। काफी सुंदर ढंग से नवरात्र का टाइम में मुखिया जी तमाम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बात करते हैं एकावना पंचायत के मुखिया टुनटुन सिंह जी से। अभी नवरात्र का समय चल रहा है मुखिया जी, तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, आपकी पंचायत के काफी लोग देख रहे हैं आपको, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। क्या आप बोलना चाहेंगे नवरात्र में लोगों को कैसे रहना चाहिए, नवरात्र के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नवरात्र एक हिंदू का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। हिंदू को बहुत अच्छी ढंग से रहनी चाहिए, हर आचरण विचार स्वभाव भाव लेकर भर नवरात्र रहना चाहिए। आप तो शुरू से ही इस तरह के पूजा पाठ में काफ़ी, अपने अभी एक यज्ञ भी कराए थे गांव में, इतना सुंदर यज्ञ कराया था, काफ़ी ही सराहनीय, एक भक्ति भावना में हमेशा आप डूबे रहते हैं। एक एक समय आप जनता की समस्याओं को लेकर, अभी थाना में भी आप जनता की समस्या को लेकर आते हैं, अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं, कैसे आपको इस तरह की चीज़ों का प्रेरणा मिलता है, क्या बताना चाहेंगे? हम बहुत दिनों से धर्म के अंदर घुसे हुए हैं, कम से कम 25 वर्ष पहले से, हम 1992 से हम धर्म समाये हुए हैं। जनता के साथ तो रहना हमारा उचित व्यवहार है, इसलिए व्यवहार बनाते हैं कि हमारी जनता हमारे साथ हमेशा रहे, हम भी जनता के साथ रहे। इसलिए हम थाना में बराबर आते जाते रहते हैं, जनता को भलाई के लिए हर कदम उठाते रहते हैं। बहुत सुंदर। यदि हम पंचायत की बात करें, आपकी पंचायत जो आपकी ये एकावना पंचायत है, आपकी एकावना पंचायत में 7 निश्चय योजना पे भी काम चल रहा है। यदि हम 7 निश्चय योजना पे अपना रुझान करें, आपका रुझान करें, तो हम जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना चल रहा है, आपके अनुसार ये कैसी योजना है? 7 निश्चय योजना जो है वो अच्छी है, कोई खराब भी नहीं है, लेकिन हम लोग आदेश के अनुसार मिलजुल कर वार्ड मुखिया सब मिलकर जनता के साथ हम लोग 7 निश्चय को सफल बनाने के लिए भी संकल्प ले लिया अंत में। ऐसे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आदेश प्रतिनिधि के नेतृत्व में दे दिए कि वो भी प्रतिनिधि है, आप लोग भी प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग उसमें मिलजुल कर काम करते हैं, बहुत सुंदर विकास करते हैं और करते रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे। अभी 50% हमारे पंचायत के विकास हो चुका, 6 नंबर 12 वार्ड में 6 वार्ड मैंने विकास हो गया। यानी कि आपकी जो पंचायत है टोटल 12 वार्ड की, 12 वार्ड के है, 12 में 6 वार्ड चयनित हो गए, 6 वार्ड में काम हो रहे हैं, हो रहे हैं। अच्छा, यदि हम बात करें शौचालय की, तो आपके पंचायत में लगभग कितने % शौचालय बने? अभी तो सरकारी शौचालय कुछ बना नहीं है, जो बना जो प्राइवेट अपना लोग बनाए हुए हैं, लेकिन सुने हैं कि महिला समूह से भी बन रहा है, तो हम लोग भी सहयोग उसमें दे रहे हैं। जो गरीब आते हैं बालू ईटा ले जाते हैं हमारे स्टॉक से, यानी कि जीविका के द्वारा भी बन रहा है? हाँ, जीविका के द्वारा बन रहा है। अच्छा अच्छा, और आपका भी काफी सपोर्ट रहा है? हाँ, हमारा काफी सपोर्ट है इसमें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पंचायत ODF हो गई? नहीं, हमारा पंचायत अभी ODF नहीं हुआ है। कहाँ समस्या आ रही है? समस्या अभी वही लैट्रिन लेके आ रही है, अभी विकास भी बाकी है, लैट्रिन कुछ बाकी है, जब पूरा हो जाएंगे ODF हम करवा देंगे। प्रशासनिक पदाधिकारियों का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? सब लोग अच्छे हैं, जो भी आते हैं सपोर्ट भी अच्छा करते हैं, इसलिए हम लोग अपना व्यवहार बना कर रखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। मुखिया जी जानना चाहेंगे, चूंकि तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों के बीच आप बैठे हुए हैं, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में मुखिया को सपोर्ट मिले? आप चूंकि आप चाहेंगे तभी ये पंचायत आदर्श पंचायत बन सकती है, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अभी तक हम पूरा जब विकास कर लेंगे तो अपना आदर्श तो अवश्य बनवाएंगे। आदर्श बनाने के लिए हम बहुत प्रयास में हैं कि जो हमारे पंचायत आदर्श पंचायत बन जाए।
बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा। और मुखिया जी, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी बात हो रही थी, ये टुनटुन सिंह मुखिया जी हैं, ये आपको मैं बता दूं कि 51 पंचायत है और 51 पंचायत बढ़हरा प्रखंड के अंतर्गत, भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड के अंतर्गत 51 पंचायत आता है। और यहाँ के मुखिया टुनटुन सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी सुंदर ढंग से अपने पंचायत के सारे लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, तमाम जनता की छोटी छोटी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो, सारी परेशानियों को समाधान करते हुए जनता के दिलों में अपना विश्वास पैदा करने का काम करते हैं। चूंकि इनका जो भी काम होता है आदर्श और प्रेम पूर्वक होता है, काफ़ी सुंदर ढंग से अपने लोगों का साथ देते हुए और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में लगे हुए हैं। काफ़ी तत्परता से 7 निश्चय योजना पर भी काम चल रही है, 6 वार्डों में इनका काम चल रहा है और काफ़ी सुंदर ढंग से विकास हो रहा है। और इन्होंने तमाम शहरवासियों को, नगरवासियों को और अपने पंचायत वासियों को भी नवरात्र पे कैसे रहना चाहिए, इस पर इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन राजा के साथ। थैंक यू।